नमस्कार। कक्षा दसम में रस प्रकरण के तहत अब तक हमने श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार इसको पढ़ा समझा। अब श्रृंगार रस के अंतर्गत ही वियोग श्रृंगार, तो वियोग संयोग में मिलन होता है और वियोग में बिछुड़ना होता है। संयोग श्रृंगार ये कल हम पढ़ चुके हैं, वियोग श्रृंगार अभी इस वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे पूरा आप देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा। वियोग संयोग ये एक दूसरे के विलोम भी है। संयोग में मिलन होता है और वियोग में बिछोह होता है। जैसे नायक नायिका एक दूसरे से दूर हैं और एक दूसरे को याद करते हैं, तो यही याद करना विरह है और यही काव्य में वियोग श्रृंगार रस के रूप में आता है। जो बहुत पुरानी गीत है, एक नायिका फिल्म में गाती है कि मोर पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, कि तेरी याद सताती है, कि तेरी याद सताती है। तो नायिका नायक को स्मरण कर रही है तो नायिका आश्रय हो गई, यदि नायक नायिका को स्मरण कर रहा है तो नायक आश्रय हो गया, और जिसको जो स्मरण करता है वह आश्रय हुआ, जिसको स्मरण करता है वह विषय हो गया। उद्दीपन कारक होगा, वहां का वातावरण होगा किस प्रकार का वातावरण है, इसका स्थायी भाव वियोग रति या विप्रलम्ब रति। तो जैसे एक कविता है, रो रो कर सिसक सिसक कर, सिसक सिसक कर कहता मैं करूं कहानी, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते फिरते करते जाते मनमानी, सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। आंसू खंड काव्य से है, जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते फिरते करते जाते मनमानी। तो स्थाई भाव वियोग रति, आश्रय विभाव में आश्रय है कर्म और विषय है नायिका। कर्म की नायिका उससे दूर है, उसके साथ दुख पूर्वक त्रासदी हुई, नायिका गुजर गई, वह उसे स्मरण करता है, तो
कहानी को किसी से सुनाता है जब, तो जिसको सुनाता है वो क्या करता है, उसकी बात उसके दुख को नहीं सुनता है, वो सुमन नोचते फिरते। या नायक ने नायिका से अपने दुख को कहा, नायिका ने उसके दुख को नहीं सुना, उसके सुंदर मन को नोचने लगी। इसमें दोनों अर्थ, सुमन शब्द श्रेष्ठ है, अभी मैं अलंकार पर नहीं जा रहा हूं, इसमें वियोग श्रृंगार बता रहा हूं। तो आश्रय कवि है, विषय नायिका है, अनुभाव उद्दीपन, उद्दीपन वातावरण है। अनुभाव आश्रय का रोना सिसकना, सिसकना और करुण कहानी कहना। तो एक हुआ रोना, दूसरा सिसकना, करुण कहानी कहना। यह हो गया अनुभाव। तो विभावानुभाव संचारी, वियोग श्रृंगार का संचारी भाव है चिंता, ग्लानि, मोह, गर्व, व्याधि, ये इसका संचारी भाव है। इस प्रकार से स्थाई भाव रथ, वियोग रथ, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार में परिणत होता है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है, रोई गवाई बारह मासा, रोई गवाई बारह मासा, सहस सहस दुख एक एक सासा। तिल तिल बरख बरख परिजाई, पहर 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 जुग जुग न सिराई। ये कविता नागमती के वियोग खंड से लिया गया है, मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी इसके रचनाकार हैं। रस स्थाई भाव, वियोग रति, आश्रय इसमें विभाव का में दो चीजें हैं, एक आश्रय है दूसरा विषय। आश्रय है नागमती, नागमती वियोग खंड काव्य से में है, और विषय है राजा रतन सेन। तो नागमती राजा रत्नसेन से दूर है क्योंकि उनकी विवाहिता पत्नी पद्मिनी थी,
नागमती उन्हें हमेशा स्मरण करती है। तो नागमती आश्रय हो गई और विषय हो गए राजा रतन सिंह। अब विभाव अनुभाव अनुभाव में देखो रोना लगातार नागमती का रोते रहना यह अनुभव हो गया और एक एक सांस को गिनना यह भी अनुभव हो गया। पहर पहर जुग जुग न सिराई मतलब ये एक घंटे दो घंटे नहीं रानी नागमती का जो वियोग है विरह है बिछोह है वह युग युग तक ठंडा नहीं होगा। सराई मतलब ठंडा नहीं होगा अर्थात शांत नहीं होगा। अब इसमें स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव ज्ञान चिंता मोह त्रास गर्व इन्हें गर्व भी है अपने प्रियतम पर राजा रतन सेन पर और कभी कभी मिलने की उम्मीद भी होती है इसलिए हर्ष भी आ जाता है जैसे ही कि कभी तो मुलाकात होगी कभी तो मिलन होगा तो ये इसका संचारी भाव हुआ। इस प्रकार से स्थाई भाव वियोग रति विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वियोग श्रृंगार रस के रूप में वियोग श्रृंगार रस के रूप में पुष्ट होता है। ऐसे ही एक और कविता है एक अंतिम कविता के द्वारा मैं आपको इसे बता रहा हूं। चिंता सहित राधिका थी दिन को बिताती हूं रो रो चिंता सहित राधिका थी दिन को बिताती हूं आंखों को थी सजल करती सजल रखती आंखों को थी सजल रखती खुद को अनमना दिखाती तो इस कविता में भी वियोग श्रृंगार है। स्थाई भाव वियोग रति है और ये कविता है हरिऔध की उपाध्याय हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो राधिका इसमें राधिका याद कर रही है रो रो चिंता सहित राधिका थी दिन को बिताती राधा रानी इसमें आश्रय है विभाव अब राधिका किसको याद करती है श्री कृष्ण जी को श्री कृष्ण जी चले गए हैं तो विषय हुए श्री कृष्ण जी आश्रय स्थायी भाव विभाव अनुभव
रोना, अनुभव रोना, रो रो शिशक, रो रो चिंता करना, रोना चिंता करना। और आंखों को सजल करना यानी आंसू आना, आंखों से आंसू आना, आंसू का आना, आंसू का आना ये भी अनुभव है, सात्विक अनुभव, आंसू का आना। तो ये इसका अनुभव हो गया, रोना चिंता करना, आंसू का आना अनुभव हो गया, और ग्लानि चिंता मोह त्रास गर्व और हर्ष। गर्व इसलिए क्योंकि उन्हें वियोगी नायिका को या नायक को इस बात की संभावना बनी रहती है कि उसका नायक या नायिका उससे जरूर मिलेगा, और ये उसका त्याग है, इस कारण से उनको गर्व भी होता है और हर्ष भी होता है कि कभी ना कभी मुलाकात होगी जरूर। तो वियोग श्रृंगार रस से संबंधित ये तीन कविताओं के द्वारा मैंने आपको रस को स्पष्ट करना, किस प्रकार से विभाव अनुभव और संचारी भाव को स्पष्ट किया जाता है यह बताया। विभाव अनुभव संचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो आप भी जब भी कोई रस स्पष्ट करें तो इसी आधार पर उसे पुष्ट करना होगा। यदि आपने इस आधार पर पुष्ट नहीं किया तो ये पूर्णतः सही नहीं होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।